अगर अमेरिका और रूस दोनों को देख लेते हैं तो इन दोनों देशों के बीच एक इस तरह की स्पर्धा चली है कि बाकी छोटे देश भी उसमें पिसते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन उसमें हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस तरह के हथियारों को बनाया गया, जिस तरह के हथियारों का आविष्कार किया गया ताकि आक्रमण किए जाए, विध्वंस फैलाया जाए, वो किस तरह के हथियार हैं और किस तरह का खतरा उनके साथ आता है। रूस के पास है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, अमेरिका के पास है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। आपको बताते हैं कि अगर जंगली जुनून बढ़ता गया तो तबाही के ये मां बाप कैसे दुनिया को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल 2017 में तालिबान और आइसिस के खिलाफ किया था। ये नहीं बताया कि इसमें कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन ये दावा किया गया था कि इसके बाद आइसिस लगभग खत्म हो गया। लगभग 10,000 किलो वजन का ये बम 150 से 300 मीटर के अंदर सब कुछ खत्म कर देता है। इस बम को एक प्लेटफॉर्म से जोड़कर पैराशूट से एयर ड्रॉप किया जाता है और जीपीएस के जरिए इसे टारगेट पर सेट किया जाता है। जमीन के टकराने से पहले ये फट जाता है और इसमें से 11 टन टीएनटी की ऊर्जा निकलती है। 11 टन टीएनटी को ऐसे समझ सकते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से निकली ऊर्जा 15,000 टन टीएनटी थी। अब आपको बताते हैं रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के बारे में कि ये कितना घातक है। रूस पर आरोप है कि वो इस बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर कर चुका है और चेचनिया का विद्रोह दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। यह लगभग 8,000 किलोग्राम वजन का होता है और मारक क्षमता में इसे अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 4 गुना घातक माना जाता है। इसे वैक्यूम बॉम्ब भी कहा जाता है। ये धमाके के साथ सुपर हाई टेम्परेचर या शॉक वेव पैदा करता है और 300 मीटर के दायरे में इंसानों को भाप बनाकर उड़ाने और बिल्डिंग्स को राख का ढेर बनाने में सक्षम है। इसमें से 44 टन टीएनटी ऊर्जा निकलती है।